वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइंस डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइंस डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इंडियन डिफेंस फोर्सेस के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात करें तो इन सब में इंडियन नेवी सबसे आगे दिखाई देती है, जहां इंडिया की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो लगातार इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के अनुसार नेवल वॉरशिप की डिजाइन तैयार करके इंडियन नेवी द्वारा सिलेक्टेड शिपयार्ड से वॉरशिप और सबमरीन को तैयार करवा के डिलीवर करता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ DRDO इन्हीं वॉरशिप और सबमरीन में खुद के द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी को ऐड करवा के इनको देश की सुरक्षा के लिए तैयार करवा रहा है। और इसी कड़ी में 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ 6 स्क्वाड्रन क्लास की सबमरीन को बनाने का करार हुआ था, जिसमें पहली सबमरीन INS कलवरी 2017 में इंडियन नेवी में ऑफिशियली इंडक्ट हो चुकी है और उसके बाद टोटल 5 सबमरीन इंडियन नेवी में ऑपरेशनल ड्यूटी में आ चुकी हैं और आखिरी सबमरीन INS वक्सीर अपने सी ट्रायल में है और बहुत ही जल्द ऑपरेशन ड्यूटी में आने वाली है। ये सभी सबमरीन करीब 1600 टन की सबमरीन है, लेकिन इन सबमरीन में एक बहुत ही बड़ी कमी है और वो है ये सबमरीन AIP सिस्टम के बगैर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। AIP सिस्टम आज की सभी एडवांस सबमरीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, जिसकी बदौलत सबमरीन काफी लंबे समय तक पानी के अंदर छुपके रह सकती है। इस पूरे रीजन में केवल पाकिस्तान और चाइना के पास AIP सिस्टम से लैस सबमरीन है और अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए इंडियन नेवी ने कई प्रोजेक्ट्स में अपनी सबमरीन के लिए AIP सिस्टम को लगाने पे काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत प्रोजेक्ट 75 में बनाए गए सभी 6 सबमरीन में 2025 के लास्ट से AIP सिस्टम लगाना शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए DRDO द्वारा डेवलप किए गए पहले AIP सिस्टम को लगाने के लिए इंडियन नेवी ने नेवल ग्रुप के साथ और MDL से भी बातचीत शुरू कर चुका है। कलवरी क्लास की सबमरीन की करंट लेंथ 67.5 मीटर है, जो कि AIP सिस्टम के लग जाने के बाद 10 मीटर से बढ़कर 77.5 मीटर हो जाएगी। DRDO द्वारा डेवलप की गई AIP सिस्टम फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पे बेस्ड है, जो कि 13.5 किलोवाट की पावर जनरेट कर सकता है और ये लगभग उसी पावर के आसपास है जो कि कलवरी जैसी सबमरीन को चाहिए, जो कि 15.5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट चाहता है। इसके अलावा इंडियन नेवी द्वारा 3 अतिरिक्त कलवरी क्लास की सबमरीन को प्रयोग करने के लिए भी नेवल ग्रुप और MDL से बातचीत शुरू हो गई है, जिसकी पहली सबमरीन 2029 तक मिलने की संभावना है। सेकेंड बैच के तहत ली जा रही ये 3 स्कॉर्पियन सबमरीन AIP इनबिल्ड होंगी। इंडियन नेवी इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 और सबमरीन इंटरनेशनल नेवल फोरम की हेल्प से किसी इंडियन शिपयार्ड द्वारा बनाए जाने के लिए भी प्रयास शुरू कर चुकी है और इसमें भी इंडियन नेवी AIP सिस्टम से इनबिल्ड सबमरीन को ही लेना चाहेगा। DRDO और इंडियन नेवी के संयुक्त प्रयासों से जहां एक तरफ इंडक्ट हो चुकी या इंडक्ट होने वाली सबमरीन में AIP सिस्टम के लगाने पे काम शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ DRDO ने भविष्य में इंडियन नेवी की जरूरत को देख के प्रोजेक्ट 76 के सबमरीन के लिए अभी से ही इसके AIP सिस्टम पे काम शुरू कर चुका है। प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत बनने वाली सबमरीन प्रेजेंट टाइम की सबमरीन से काफी ज्यादा एडवांस और लेथल होंगी। इन सबमरीन का वजन करीब 3000 टन के आसपास होना निश्चित हुआ है और इतनी भारी सबमरीन के लिए पावर की भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी और इसी को देखते हुए DRDO ने भी करंटली डेवलप AIP से ज्यादा पावरफुल AIP सिस्टम को डेवलप करने के लिए कमर कस ली है। प्रोजेक्ट 76 की सबमरीन की डिमांड करीब 20 किलोवाट पावर की होगी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए DRDO ने अभी से इसके AIP सिस्टम और लिथियन बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुका है। इंडियन एयरफोर्स करीब 259 Su-30 MKI फाइटर जेट का प्रयोग करती है, जिसमें से ज्यादातर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा रशिया द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान में ही बनाए गए थे। ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स सन 2055 से ज्यादा समय तक चलाना चाहती है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अभी केवल 32 स्क्वाड्रन को ही ऑपरेट कर रही है, जबकि इसकी अथॉराइज्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 की है और उसमें भी मेजर पार्ट Su-30 MKI जेट का ही है। Su-30 MKI एक फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट है
जिसने इंडियन एयरफोर्स में पहली उड़ान सन 2002 में भरी थी और ये जेट पिछले 22 सालों से इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन समय के साथ अब इनके अंदर की टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे पुरानी पड़ती जा रही है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में फ्रांस से 36 की संख्या में राफेल जेट को खरीदा है जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और इंडिजिनसली डेवलप्ड तेजस और भविष्य में आने वाले तेजस मार्क 2 और MCA को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करेगा। लेकिन जिस तरीके से चाइना एग्रेशन दिखा रहा है और अपनी एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट से इक्विप कर रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी अपग्रेड कर रहा है, तो इसे देखते हुए अब इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने Su-30 MKI फाइटर जेट को हैवली अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL के साथ 63,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें 84 Su-30 MKI को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड होने के बाद इन Su-30 MKI जेट काफी हद तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के जितने कैपेबल हो जाएंगे, केवल स्ट्रेंथ को छोड़ के। हर एक Su-30 MKI को अपग्रेड करने में इंडियन गवर्नमेंट को 130 से 140 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। मुख्य रूप से जिन टेक्नोलॉजी को बदला जाएगा उसमें सबसे पहले उत्तम ऐसा रडार होगा जो कि करंट रशियन रडार से 1.5 से 1.7 गुना ज्यादा डिटेक्शन रेंज देगा, जो कि Su-30 MKI की BVR रेंज को लॉन्ग रेंज BVR में कन्वर्ट कर सकेगा। DRDO द्वारा ऑलरेडी अस्त्रा मार्क 3 पे काम चल रहा है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है और नए उत्तम रडार के लग जाने से अस्त्रा 2 और अस्त्रा 3 BVR मिसाइल के इंटीग्रेशन का रास्ता खुल जाएगा। Su-30 अभी करंटली अस्त्रा 1 BVR मिसाइल का यूज कर रहा है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अपग्रेडेशन होने जा रहा है वो है लॉयल विंगमैन प्रोग्राम का, जिसके तहत Su-30 जेट को मैन अनमैन टीमिंग टेक्निक से लैस किया जाएगा, यानी इस फाइटर जेट के साथ हमलावर या निगरानी ड्रोन भी उड़ान भर सकेंगे। इन ड्रोन को इन्हीं फाइटर जेट से कंट्रोल किया जाएगा। इससे वायुसेना को ये फायदा होगा कि जहां तक फाइटर जेट जा सकता है उससे आगे ड्रोन भेजकर हमला किया जा सकता है या फिर निगरानी के काम करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा पुराने एनालॉग कॉकपिट को हटा के फुल डिजिटल कॉकपिट 5th लार्ज टच स्क्रीन को लगाया जाएगा जो कि पायलट की सिचुएशन अवेयरनेस को बढ़ाएगा। और इसी के साथ DRDO द्वारा विकसित नए मिशन कंप्यूटर को भी इंस्टॉल करवाया जाएगा जो कि इंडियन मेड वेपन्स और सेंसर को आसानी से इंटीग्रेट करवाने में हेल्प करेगा। सुपर सुखोई प्रोग्राम एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव है इंडियन एयरफोर्स का जो कि आने वाले लंबे समय तक ये जेट अपनी एयर सिक्योरिटी बना के रखेंगे। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।